नमस्कार दोस्तों, हीना क्राफ्ट में आपके स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे, तो इंडक्शन अगर ख़राब हो गया, आपके नहीं चल रहा है, बेकार हो गया, तो आप किस तरह से इसको सही करें घर पे ही। तो ये हमारा इंडक्शन है, जो इसके शीशा देखिए हमारा टूट गया है, तो हम ऊपर इसके टेप चपका दिए हैं। इसकी वजह से हमारे इंडक्शन में अंदर पानी नहीं जाता है और करेंट भी नहीं लगता है। तो अब हम बताना शुरू कर रहे हैं। तो अगर नहीं चल रहा है इंडक्शन आपके, तो किस तरह सही करें आप। तो इसमें चार पेच लगे रहते हैं, जिसको आपको खोलना है। पहले आप पेच को खोल के बता रहे हैं हम, तो आपको क्या करना है, इंडक्शन पे आप जब भी कुछ बनाते हैं तो उस पर चाय गिर जाता है या दूध गिर जाता है, पानी गर्म करते हैं वो भी गिर जाता है, कभी कभार दाल चढ़ाते हैं तो कुकर के पानी जो कुकर में से निकलता है, दाल के पानी होनी, वो भी इंडक्शन पे गिर जाता है। इसके वजह से आपके इंडक्शन ख़राब हो जाता है। तो हम इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आपके गिर जाता है कोई चीज़ और ख़राब हो जाता है, तो किस तरह से इसको आप सही करें। तो ये खास करके हम, आप जो लेडीज़ें होती हैं घर के, जो इंडक्शन पे खाना बनाती हैं, गिर जाता है तो अगर मान लो बाय चांस उनके घर पे नहीं है कोई उसको ठीक कराने के लिए, तो वो अपने आप ही किस तरह से खोल के इसको ठीक कर लें। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये पेज को खोल के हमको ऊपर के जो ढक्कन होता है, इस तरह से हमको निकालना है बहुत आराम से, और निकाल के इसको बगल में ही रखना है। जो तार लगा है उसको खींचना नहीं है, आराम से रख लें। और अंदर देखिए, जो दूध और पानी जो हमारा गिर गया है, उसकी वजह से इस पर कितना धूल मिट्टी जम गया है, ये देख सकते हैं आप। ये पानी है हमारा जो अंदर चला गया है, इसकी वजह से हमारा इंडक्शन नहीं चल रहा है, और अपने आप ही कभी कभी तो चलने लगता है, तेज़ हो जाता है, धीमे हो जाता है, और अपने आप ही ये कभी कभी बंद हो जाता है। तो इसके लिए हम इसको खोल रहे हैं और इसको हम सही कर रहे हैं। तो जितना भी अंदर मिट्टी धूल मिट्टी है, इसको पहले हम साफ़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कितना सारा हमारा गीला हो गया है, जैसे गिरा है अंदर गया है पानी दूध, तो इसकी वजह से देखिए किस तरह से हो गया है। तो इसको पहले हम साफ़ कर लेंगे खूब अच्छे से, तरह से हमको साफ़ कर लेना है। और एक ब्रश ले लेंगे हम, ब्रश के हेल्प से जो मिट्टी धूल है, जो गंदगी है, सब हम ब्रश से साफ़ करेंगे। ये तार है जो हमको निकालना नहीं है, बिल्कुल पास पास में आप रखिए तो नहीं निकलेगा ये। इसको तार भी निकालने वाला होता है, पर हम नहीं निकालेंगे, बार बार निकालने से लगाने से ढीला हो जाता है, तो इसलिए हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। इसमें जितना भी गंदगी है इसको हम साफ़ कर लेंगे पहले। अंदर हमारा बहुत दिन से बंद है, ये खोला नहीं है, तो अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया, तो इसको हमको अच्छे से ब्रश से ही हम साफ़ करेंगे इसको। जिससे कपड़ा से अगर ज़्यादा जो किनारे किनारे हैं जहाँ पे तार उर नहीं है, वहाँ पे आप कपड़ा से साफ़ कर लीजिए। जो तार उर है वहाँ पे आप ब्रश से ही हल्के हल्के हाथ से साफ़ करिए। इसके किनारे किनारे हम साफ़ करेंगे, हल्का बिल्कुल हाथ लगाएंगे। ये जो बीच में मेन जो होता है, वो इंडक्शन के ये जो बीच में दिख रहा है आपको गोल, यही मेन होता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपके इंडक्शन नहीं चलता है फिर। तो इसको आप ध्यान से छुएँ, इसको ज़्यादा हाथ ना लगाएँ, इसी से हमारा इंडक्शन चलता है दोस्तों। तो ये हमारा अच्छे से पूरा हम अंदर बाहर साफ़ कर देंगे बढ़िया से। मिट्टी अंदर भी चला गया है हमारा, गंदगी सब, इसको हम बहुत ही अच्छे से हल्के हल्के हाथ से ब्रश से साफ़ करेंगे। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हम डालते हैं आपके लिए, हर तरीके के वीडियो हम डालते हैं, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे चैनल से। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो एक ही चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, आप हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर करें। तो अगर किसी के घर पर भी दिक्कत इस तरह की हो, इंजेक्शन वगैरह ख़राब हो गया हो, तो वो ठीक कर ले। ये हमारा हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, धूप में रखेंगे आधा से एक घंटा के लिए, इसको खूब तेज़ धूप में रख देंगे सूखने के लिए। तो ये जब सूख जाएगा, जितना भी इसमें पानी है वो है सब सूख जाएगा। तो इसको हम रख दिए थे, ये हमारा अच्छे से सूख गया है, एक दो घंटा के लिए हम धूप में रख दिए थे। तो अब इसको हम फिर से पेच लगा के इसको कस लेंगे, सही कर लेंगे। तो ये ढक्कन है, तो इस पर हम इस तरह से इसको रख लेंगे, अब बिल्कुल बराबर बैठा लेंगे इसको चारों तरफ से, हम सही से इसको कर लेंगे। हमारा अच्छे से ये बैठ चुका है, तो ये हमारा चार पेच लगा था जो हम पेच को अब इसमें दोबारा से कस देंगे, टाइट पेच अच्छे से कस देंगे इसमें। सारे पेच को हम कस देंगे अच्छे से, कि हमारा पेच सब कस गया। इस तरह से करके एक एक पेच अपना अच्छे से कस लीजिए। ये हमारा पूरा अच्छे से लग गया है पेच, और ये बिल्कुल अब सही हो गया हमारा। हम जानते हैं अब इस तरह से करने के बाद हमारा इंडक्शन अब चल जाएगा। ये देख सकते हैं पन्नी हम लगा दिए थे, हमारा शीशा जरा सा चिपक गया था किसी वजह से,
और अब हमारा इंजेक्शन खूब बढ़िया चलने लगेगा।